वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, किसका इंतजार है? आप सभी का आपके ही YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो यंगस्टर्स के लिए है। क्या आपकी उम्र 18 से 20 साल है? क्या आप पैसे बचाते हैं? और आपके पैसे बचाने का तरीका इनमें से कोई एक है, जैसे बैंक अकाउंट है, FD है या पिगी बैंक है, जैसे ट्रेडिशनल तरीके आप यूज करते हैं, या फिर आप सेविंग करते ही नहीं हैं सोच के कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है। हो सकता है वीडियो देखने के बाद आपके लिए यह एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो, इसके लिए आप अंत तक बने रहिए। आपने सुना होगा, टाइम इज मनी। जब आप अर्ली एज में सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो 40 से 50 साल की उम्र तक आपके पास एक टेंशन फ्री और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ होगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको महीने के खर्च से कम 500 रुपये बचाने हैं। अब आप सोचेंगे कि पॉकेट मनी से महीने का खर्चा तो निकलता नहीं है, और मैं बात कर रही हूँ 500 रुपये बचाने की, ये तो बहुत टफ है, ये होगा ही नहीं। ये होगा, मैं आपको टेक्निक बताती हूँ। पहला, आप अपने डेली स्नैक्स और चाय के खर्चे को थोड़ा सा कम कर दीजिए। आप हर वीकेंड अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं तो बस एक वीकेंड मत करिए। आप महीने में 2 बार मूवी देखने जाते हैं, 3 बार मूवी देखने जाते हैं, बस एक बार मत जाइए। उन पैसों को बचाइए, 100% आप 500 रुपये बचा सकते हैं। अब आपने पैसे बचा लिए, अब आप सोचेंगे अब क्या करें, तो आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है। मैं आपको एक मैजिक बताती हूँ, चलिए इसके लिए लैपटॉप स्क्रीन पर मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यह एक SIP कैलकुलेटर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मिनिमम 500 रुपये से शुरू करके अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में आप कितना रिटर्न पा सकते हैं। तो मैंने मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट में डाल दिया है 500 रुपये। अब आते हैं, तो फ्रेंड्स, जो आपने 500 रुपये बचाए हैं, अब उसको मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट में सेट कर दीजिए। अब आते हैं एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट पर। तो कोई भी अच्छा ऐसा म्यूचुअल फंड होता है, वो 12% तो रिटर्न दे ही देता है, तो मैं मिनिमम 12% का रखते हैं। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन पर, तो इसको अभी 10 साल तक सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्टेप अप, मतलब टॉप अप। आप एनुअली वार्षिक मतलब अपनी अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो अभी के लिए नहीं, तो मैं इसको 0% ही रखती हूँ। तो देखिए, आप देख रहे हैं, आप जो अमाउंट देख रहे हैं वो हो रही है 1,16,000, और आपने इन्वेस्टमेंट किया है 60,000 का, और इस 60,000 पर आपको गेन हुआ है 56,000 का। तो ये जो टोटल इनका सम होता है, वही अमाउंट आपको रिटर्न आपको दिख रहा है, 1,16,000। अब आपको दिखाती हूँ मैं कि अगर मैं इस को बढ़ा देती हूँ, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को 20 साल कर देती हूँ, तो अब ये रिटर्न कितना होगा। आप देखिए, ये हो रहा है 4,99,000। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ड्यूरेशन 20 साल कर दिया है, तो ये रिटर्न अमाउंट दिखा रहा है लगभग 5 लाख, यानी कि जो 10 साल किया था ड्यूरेशन उस पर दिखा रहा था लगभग 1 लाख, यानी कि अभी हो गया 10 साल बढ़ाने पर ये हो गया है 5 लाख, 5 गुना हो गया है ये। अब बढ़ाते हैं इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को, करते हैं चलिए 30 साल कर देते हैं, तो अब आप देखिए ये हो गया है 17,64,000। साल किया था उस पर दिखा रहा था 5 लाख के करीब, तो ये 3 गुना हो गया। अब अगर यही अमाउंट हम अगर 10 साल से करते हैं, 10 से लेके 30 साल तक, तो ये 17 गुना रिटर्न हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन आप लंबा रखेंगे, आपको रिटर्न उतना ही अच्छा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि 0% पर, मतलब बिना किसी टॉपअप के, आपने
कितना रिटर्न किया, 17,64,000 का आपको फायदा हो रहा है रिटर्न में, वो भी 30 साल, जब आप अपनी ड्यूरेशन को 30 साल तक रखते हैं। लेकिन यदि अगर आप बेस अमाउंट में टॉप अप कर देते हैं, मिनिमम चलिए 5% का करते हैं अगर आप, तो वही अमाउंट आप देखिए रिटर्न आपको कितना ज़्यादा मिल रहा है, 26 लाख। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितनी अर्ली एज में आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन भी लंबा रखिए, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। डेमो में आपने देखा कि छोटी छोटी अमाउंट को सेव करना और उसको सही जगह इन्वेस्ट करना कितना फायदेमंद होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो ये जो मैंने डेमो दिखाया ये वही उसी से रिलेटेड था कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट आप सेव करिए और सही जगह सही प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करिए, और फ्यूचर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा, और 30 साल तक करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा। आपने देखा कि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को लंबा रखेंगे, आपका रिटर्न उतना ही ज़्यादा होगा। अब अगर आपकी नौकरी लग जाती है, आप सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, बिजनेस करने लगते हैं, तो इनकम बढ़ती है, बट हमेशा अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इस अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। मैंने तो बस एक एग्जाम्पल दिया आपको, एक आइडिया दिया आपको। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपनी उम्र के इस पड़ाव को पार कर भी गए हैं, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला 18 से 20 साल, तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, किसका इंतजार है। तो फ्रेंड्स, याद रखें कि प्लेटफॉर्म ऐसी चूज करें जो आपको हर तरह की फैसिलिटी दे। ऐसा ना हो कि 2-4 साल बाद आपको ये फील हो कि मैं इस ऐप पर ये लिमिटेशन है, मैं ये करना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। इसका सजेशन मैं आपको बताती हूँ, अप स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जो आपको आईपीओज में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, गोल्ड में, कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ आप एक जगह पर अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक भी कर सकते हैं। आप स्टॉक की रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन कीजिए। आप स्टॉक पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको कॉर्नर में मिल जाएगा। उस वीडियो की हेल्प आप रजिस्ट्रेशन में ले सकते हैं। तो आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप शुरू कीजिए। कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन सी SIP अच्छी है, बेस्ट SIP कैसे सिलेक्ट करें, और लिंक के थ्रू, आप स्टॉक की लिंक के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसी कोई भी क्वेरीज हो आपकी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल में, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप फॉरवर्ड कर सकें इस वीडियो को, उतना कीजिए, उतना ही अच्छा होगा। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं नए नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेकर आपके साथ शेयर करूं। तब तक के लिए अब मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।